जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर एक नया अपडेट निकल के आ चुका है, जो अपडेट किसानों के लिए परेशानी बन सकते हैं, क्योंकि एफटीओ प्रोसीड यस होने के बाद भी आपको अभी किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से जो इंस्टॉलमेंट है, जो पैसा है, पैसा नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, ऐसे भी एक घटना मेरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ है, उनका सब कुछ सही था, उसके बाद भी किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से पैसा नहीं मिला। सब कुछ का मतलब एफटीओ भी यस हो रहा था, एफटीओ भी यस हो गया था, उसके बाद भी किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं मिला। यह जो अपडेट अगर आपका भी इस राश पर आ चुका है तो दोस्तों आपको तुरंत एक काम करना होगा, तो दोस्तों उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको पैसा अब तक क्लियर नहीं मिला तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक देखिएगा, और इसी वीडियो में हम जानेंगे किसान सम्मान निधि योजना की जो बेनिफिशियरी इस राश है, इस राश पर आपका क्या अपडेट हुआ है और अपडेट में आपको क्या दिक्कत हो सकती है, सभी जानकारी हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले सभी लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आकर चेक करना होगा कि इसी पर कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट शो कर रहा है। सबका शो होगा कि इसमें 18 नंबर का इंस्टॉलमेंट शो कर रहा है, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना का जो वेबसाइट है, वेबसाइट की इस राश पर 18 नंबर का इंस्टॉलमेंट सभी किसानों का दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी आपको सिंपली क्या करना होगा, फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर स्टार्स पर क्लिक करके अपनी इस राश को चेक करना होगा, क्योंकि यह जो अपडेट है सभी किसानों का स्टार्स पर देखना शुरू हो जाएगा, अगर आपका भी इसी तरह प्रॉब्लम होगा तो। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, करके ओटीपी वेरीफाई करके आपको बेनिफिशियरी स्टेटस को निकालना होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपने किसान सम्मान निधि योजना के साथ लिंक है, उसके बाद ही आप बेनिफिशियरी जो पेमेंट डिटेल्स है किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये आप निकाल सकते हैं, वरना ये स्टेटस आप चेक नहीं कर सकते। दोस्तों स्टेटस पर आने के बाद देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सिर्फ मोबाइल नंबर को चेक करना होता है, उसके बाद आता है कि एलिजिबिलिटी स्टेटस। दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस पर लैंड सेटिंग, केवाईसी और आधार सेटिंग, ये तीनों पॉइंट से रखना होगा। उसके बाद आ रहा है कि रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी। दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मैंडेटरी है लेकिन सभी किसानों के लिए नहीं है। अभी हम देखते हैं ये जो किसान है, ये किसान का 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने वाला था, इसी पर एफटीओ भी प्रोसीड यस हो चुका है। उसके बाद देखिए पेमेंट स्टेटस की जगह क्या बता रहे, 13 इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल। दोस्तों 13 इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल होने का क्या रीजन है, अभी देखिए यहां पर क्या बता रहे, रीजन की जगह आधार एनपीसीआई, मतलब आधार नंबर डिसेडिट फ्रॉम एनपीसीआई मैप पर बाय बैंक कस्टमर कनेक्ट यर हिज यर बैंक। दोस्तों आधार नंबर डिसेडिट की वजह से ये लाभार्थी को पैसा नहीं मिला, और ये लाभार्थी का सब कुछ सही था, जैसे कि देखिए एफटीओ भी यस था। अभी सवाल आ रहा है कि ये लाभार्थी का तो आधार सेटिंग सही है, उसके बाद ही ना ये किसान का आधार सेटिंग तो इसमें यस हुआ है। देखिए ऊपर में आधार सेटिंग यस बता रहा है, लेकिन नीचे में बता रहा है कि आधार डिसेडिट और फ्रॉम एनपीसीआई बैंक। अभी देखिएगा ये लाभार्थी का 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। अभी देखिए ये लाभार्थी का पहले नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है रिसीप्ट हुआ है, उसके बाद देखिए 4 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है सेम प्रोसेस है कि एफटीओ प्रोसीड यस है, आधार नंबर डिसेडिट आ रहे। उसके बाद देखिए 4 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है, जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, इसका डेट यहाँ पर बता रहा है कि 01/06/2024, मतलब इसी साल में ये लाभार्थी का जो 4 नंबर का इंस्टॉलमेंट है ये भी ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। अभी सवाल आ रहा है कि ट्रांजेक्शन फेल जिन जिन लाभार्थी का इस राश पर अपडेट हुआ है, उन सभी लाभार्थी को पक्का पैसा मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एनपीसीआई डीबीटी को एक्टिव करना होगा और हमारे तरफ से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपका भी एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है, आपको पैसा नहीं मिला, तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज ही मुझे व्हाट्सअप करें और अपने आधार नंबर को सेंड करें, हमारे तरफ से आपको 100% वेरीफाई कर दिया जाएगा। और आप सभी का जो बैंक अकाउंट है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक कीजिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर लिंक करके आप लोग वेट कीजिएगा एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव हुआ कि नहीं, ये भी आप इस राश को चेक कीजिएगा। अगर आपका एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव हुआ है, उसके बाद भी अगर आपका एफटीओ प्रोसेस यस आ रहे, ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, तो दोस्तों ये जो पैसा है दोबारा आपका अप्रूवल किया जाएगा। अभी देखिएगा ये जो लाभार्थी 13 नंबर का इंस्टॉलमेंट, 4 नंबर का इंस्टॉलमेंट जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, इसकी जगह जो आपको इसमें बता रहे एफटीओ प्रोसीड, इसका मैंने पीएफएमएस साइट पर जाके पेमेंट डिटेल्स को निकाल के दिखाने वाला हूं। देखिए पेमेंट डिटेल्स की बात किया जाए तो यह लाभार्थी का देखिए 5 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जगह यहाँ पर क्या बता रहे, पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल, उसके बाद आ रहा है देखिए सैंक्शन क्लोज। और मैंने बता दें कि जिन लाभार्थी का सैंक्शन क्लोज हुआ है, उन सभी लाभार्थी को तुरंत ही पैसा खाता भर दिया जाएगा। अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो दोस्तों आपका पैसा नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एनपीसीआई डीबीटी स्टेटस को चेक करना होगा और वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन लाभार्थियों का ट्रांजेक्शन फेल वाली जो अपडेट है अपडेट हुआ है, उन सभी लाभार्थियों को एनपीसीआई को एक्सेप्ट करके आधार नंबर को मुझे शेयर करना होगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आपका एफटीओ प्रोसेस यस आ रहा है तो दोस्तों आप सभी लोग एनपीसीआई डीबीटी स्टेटस को तुरंत चेक कर रहे, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस है, स्टेटस पर एफटीओ का अपडेट आज 100%
होने वाला है, क्योंकि आज दिवाली का डेट चल रहा है और दीपावली में सभी लाभार्थियों को यानी कि वंचित लाभार्थियों का खाता पर पेमेंट रिसीप्ट होने वाला है। तो दोस्तों अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा कि आपका इस राशि पर क्या अपडेट हुआ है। जय हिंद, जय भारत।